12 साल हो गए मेरी शादी को, जब से शादी हुई जब से मैं यहाँ पे दर्शन करने आ रही हूँ। हर नवरात्रि में यहाँ पे विशेष महत्व रहता है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। यहाँ पे सती माता का अंग, मतलब जो उनको जले थे, वो जब उनको भोलेनाथ जी लेके गए थे उनके जो अंग गिरते गए थे, तो उसमें से 2 शक्तिपीठ उज्जैन में आए। यहाँ पे आप श्रद्धा पे, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी मानते हो वो पूरी होती होती है। उज्जैन या महाकाली के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, 51 शक्तिपीठों में एक है। देवी के यहाँ पे अपर लिप्स गिरे सती के, है ना, सती के अपर लिप्स के, कालिदास की बीजाक्षरी है, कालिदास जी को विद्वता यहीं से प्राप्त हुई है। और आज से नवरात्र का प्रारंभ है, शरद नवरात्र का, तो अपनी अपनी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण करने के लिए भारी जनता आती है दर्शन करने के लिए। काली मतलब कल्याण करने वाली, काली नाम ही कल्याण है। तो नींबू का होता है इसलिए कि मुंडों की माला पहनी थी माता जी ने, तो मुंड रूप में यहाँ दशमी पे नींबू का प्रसाद दिया जाता है, तो घर की विघ्नवाधा दूर होती है दरवाजे पे लगाने पर। कहाँ महाकाली की के यहाँ और भैरव है, इनको तंत्र विद्याओं का गुरु मानते हैं, तो यहाँ तांत्रिक क्रिया भी करते हैं लोगों। सतयुग से समय से मंदिर करीब काफी वर्षों पुराना मंदिर है और ये महाकवि कालिदास की इष्ट देवी है। यहाँ से महाकवि कालिदास विद्वान बने और यहाँ 3 देवियाँ विराजमान हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ये काफ़ी समय से, सतयुग के समय से काफ़ी वर्षों पुराना है। मंदिर में आने से साक्षात माता जी जैसे मनोकामना पूर्ण करती है। कुछ भी अपन जैसे भी कुछ कोई मांगता, कोई गोदी बनने के लिए आता है, कोई के जैसे संतान आता है तो वो पीछे स्वास्तिक बनाते हैं मंदिर के पीछे, उससे उनके हर मनोकामना पूर्ण होती है। दशहरे के दिन भंडारा होता है और उसमें प्रसाद के रूप में जो भंडारे में तो लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, और उसके अलावा जवारे वगैरह, जवारे नींबू वगैरह ये देते हैं।